हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम अपने पाइथन बिगिनर टू एडवांस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने वेरिएबल के बारे में बताया था कि वेरिएबल का यूज़ पाइथन में कैसे होता है, उसके रूल्स क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन के अंदर किस किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं और ये डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो चलिए, बिना कुछ ज़्यादा समय गंवाए, बिना कुछ ज़्यादा बोले, चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथन को रन करने के लिए, पाइथन को यूज़ करने के लिए मैं अपना आईडी ओपन करूंगा, जो कि मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है। कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटा टाइप्स इन पाइथन, पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह यूज़ किया जाता है पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स का। तो वैसे तो पाइथन के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, बुलियन होता है, लिस्ट होता है, टूपल होता है, सेट होता है और डिक्शनरी होता है। पूरे 7 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। इस न्यूमेरिक डेटाबेस के अंदर एक अलग से 3 और डेटा टाइप होते हैं, जो कि होता है इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंट सिंपल नंबर होता है, जैसे कि 1, 2, 3, सिंपल नंबर, यानी कि क्या 0 से लेके पूरा जितना भी नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 को भी लेके, ये सारे जितने भी नंबर है वो इंटीजर उसको बोला जाता है। और फ्लोट में बस इतना अंतर है कि उसमें डेसिमल पॉइंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रिंग, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रिंग सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर या ट्रिपल डॉट ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखे जाने वाले जितने भी वर्ड स्ट्रिंग होते हैं। जैसे कि मैं एक यहाँ वेरिएबल लिखूँ, मैं एक यहाँ न्यू वेर करके एक वेरिएबल लिखूँ और इक्वल टू करके सिंगल कोट्स के अंदर दिस इज स्ट्रिंग, तो ये जो है डबल सिंगल कोट्स के अंदर जो भी मैंने लिखा है इस सारे, ये एक स्ट्रिंग है। और दूसरा तरीका है न्यू वेर टू इज इक्वल टू दिस इज अनदर स्ट्रिंग। तो ये 3 प्रकार के, हाँ यहाँ ट्रिपल डॉक ट्रिपल कोट्स रहेगा क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग है। मैंने इस ब्रैकेट के अंदर जो बताया है सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स, तो यही है। ये न्यू ईयर के अंदर सिंगल कोट्स वाली स्ट्रिंग है, न्यू वेयर 2 के अंदर डबल कोट्स वाली स्ट्रिंग है और न्यू वेयर 3 के अंदर ट्रिपल कोट्स वाली स्ट्रिंग है। अब इन तीनों में क्या अंतर है? आप किसी भी स्ट्रिंग को सिंगल या डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, बट ये ट्रिपल कोट्स की क्या क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है ट्रिपल कोट्स? जैसे आप यहाँ ये डबल कोट्स के अंदर आओगे, कहीं भी क्लिक करके इसको एंटर मारोगे, तो ये क्या, ये ऊपर वाला हाईलाइट हो रहा है, नीचे वाला आप देख सकते हो कि वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो इसे स्ट्रिंग ले रहा है लेकिन इसे नहीं ले रहा है। और अब सिंगल कोट्स के अंदर आओगे तो उसे भी इंटर करके देखोगे तो ये इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा है, इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। इसका मतलब सेम जैसा डबल कोट्स में केस हुआ वैसे सिंगल कोट्स में भी वही केस है। लेकिन जब आप ट्रिपल कोट्स के अंदर आकर यानी बीच में इंटर मारोगे, इसका मतलब इसका ये यूज़ है कि आप मल्टीपल लाइन को स्ट्रिंग बना सकते हो। यानी कि ये तो एक लाइन का था इसलिए मैंने सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। निकल अगर मानो कि एक ऐसी वैल्यू है जो कि काफ़ी सारे लाइन में आ रही है, यानी कि एक पैराग्राफ ही ले लो, मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ दो तीन बार। एक ऐसी वैल्यू है जो कि 2-3 लाइन में आ रही है और आप उसको स्ट्रिंग में लेना चाहते हो, तो आप इस ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर सकते हो। तो ट्रिपल कोट्स का यूज़ मल्टीपल लाइन को एक वेरिएबल में लेने के लिए यूज़ होता है, और जो सिंगल और डबल कोट्स है वो तो सिंपल एक ही लाइन को स्ट्रिंग में लेने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये तो था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम 3 तरह डिफाइन कर सकते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स।
अब आते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर। न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर तीन प्रकार के इसके वेरिएंट्स होते हैं, पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है कॉम्प्लेक्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज़ क्या है? जब भी हमें अपने प्रोग्राम में कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन करना है वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या कोई भी मैथमेटिक ऑपरेशन करना है, तो हमें न्यूमेरिक डेटा टाइप्स का यूज़ करना होगा, तभी वो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो पाएगा। इसके अंदर जैसा कि मैंने कहा, इसके अंदर तीन वेरिएंट्स है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंट क्या है? इंटीजर एक पूरा नंबर है जो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। यानी कि मैंने लिखा, ये लिखा, या इसे मैंने माइनस में लिखा, या मैंने सिर्फ ज़ीरो लिखा, तो ये तीनों एक इंटीजर है। और फ्लोट क्या है? फ्लोट में बस इतना अंतर है, इंटीजर और फ्लोट में बस एक ही अंतर है कि इसमें एक डेसिमल पॉइंट होते हैं, यानी कि दशमलव डाल के जो आप उन दशमलव करते हैं 0.50, 0.2, ये तो है फ्लोट के अंदर गिने जाते हैं कि ये इसका डेटा टाइप फ्लोट है, क्योंकि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं। और तीसरा आते हैं हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ये रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज़ होता है। इसे कैसे डिफाइंड किया जाता है? इसे 2+3j। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने j लिखा तो ये हाईलाइट हो गया j, लेकिन अगर मैं यहाँ कोई और लिखता, कोई और सिंटेक्स, i लिख रहा हूँ तो लाल हो रहा है, एच लिख रहा हूँ तो लाल हो रहा है, लेकिन मैं जब जे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब पाइथन हमें समझ जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स, इसका डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो ज़्यादातर यूज़ है इसका, मतलब बिगिनर प्रोग्रामर इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, लेकिन आप इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो तो आप इसके डिटेल में जा सकते हो। तो ये तो था नंबर के अंदर इंटीजर, इंटीजर सारे नंबर होते हैं एक्सेप्ट जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, और फ्लोट के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स में रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अब आते हैं हम बुलियन डेटा टाइप, बुलियन के अंदर बुलियन एक ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स को बुलियन वैल्यू बोला जाता है, मतलब बुलियन डेटा टाइप्स बोला जाता है। आप जैसे इसको लिखोगे कि जैसे मैं यहाँ एक वेरिएबल लिखता हूँ बूल वेर इज इक्वल टू दिस, और प्रिंट, मैं प्रिंट करता हूँ बूल, देन लिखूँगा बूल वेर, और मैं इस फाइल को रन करूँगा तो आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ ट्रू लिख किया गया है। और आप एक और तरह से यूज़ कर सकते हो कि अगर आप बूल वेर की वैल्यू 1 रखते हो और इसे डेटा टाइप्स, इसे बूल मेथड के अंदर पास करोगे और इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आप देखोगे कि ये 1 हमें ट्रू दे रहा है, और 1 की जगह अगर मैं 0 रखूं और फिर से इस फाइल को रन करूं और फिर से इस फाइल को रन करूं तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू फॉल्स है, यानी कि हम 1 को ट्रू बोल सकते हैं और 0 को हम फॉल्स बोल सकते हैं। किसी भी वन ऑफ टू वैल्यू, इधर ट्रू और फॉल्स, और जो ट्रू फॉल्स रहता है उसका स्टार्टिंग का जो टी है वो ट्रू, अपना स्टार्टिंग वो जो कैपिटल लेटर में रहेगा, टी कैपिटल में रहेगा और एफ भी कैपिटल में रहेगा, मतलब उसका स्टार्टिंग जो रहेगा, स्टार्टिंग लेटर वो कैपिटल में रहेगा, तभी हम पाइथन के अंदर ट्रू फॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था पाइथन के अंदर एक स्ट्रिंग, नंबर, उसके सब चाइल्ड इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बूलियन, जिसमें 2 आउटपुट होते हैं, ट्रू होता है या फॉल्स होता है, और इसका स्टार्टिंग का कैरेक्टर हमेशा कैपिटल ही रहेगा पाइथन में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन के अंदर लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, टूपल डेटा टाइप क्या होता है, सेट और डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा,
अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू अपडेट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।